साइंस की वर्किंग में आज हमने बुक का पेज नंबर 4 और 5 उसकी रीडिंग करनी है और साथ ही इसका बुक वर्क जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। आज हमने रीडिंग में स्टार्ट करना है नर्व्स। नर्व्स क्या है? नर्व वर्क लाइक टेलीफोन वायर्स। नर्व्स इस तरह काम करती हैं जैसे टेलीफोन्स की वायर। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम द ब्रेन। इनका ना हर उससे कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ, हर एक ऑर्गन के साथ, और ब्रेन के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल। नर्व्स जो है ना वो बनती हैं नर्व सेल के साथ, जो कि टू काइंड्स की होती हैं। एक तो सेंसरी नर्व होती है और एक मोटर नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि सिग्नल देती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड में। दिस इज टर्न टेल द सेंस ऑर्गन व्हाट दे हैव सीन। यानी जो कुछ हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो चख रहे हैं, ये सेंसरी नर्व हमारा जो ये पैगाम है ये दिमाग तक पहुंचाती हैं। नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। नर्व्स जो है ना वो हेड की ये देखें और ये नेक की, ये जो है ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ इनका कनेक्ट होता है। द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके साथ जो है बाकी बॉडी की सारी जो नर्व हैं वो इसके साथ अटैच हैं, लेकिन नेक की और जो हेड की जो है ना नर्व वो डायरेक्ट ब्रेन के साथ उनकी अटैचमेंट होती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। अब नर्व, सेंसरी नर्व्स, तो आपको पता चला कि सेंसरी नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि सिग्नल जो हैं वो बॉडी के वो पहुंचाती हैं ब्रेन तक। अब मोटर नर्व्स एंड सेंड सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल एंड ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स जो हैं वो जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है मोटर, यानी कि वो तेज़ी से काम करती हैं, वो दिमाग का जो पैगाम है वो जल्दी से मसल्स तक पहुंचाती हैं। दी सिग्नल्स मेक मसल मूव। ये जो हैं ये दिमाग को काम करने के, मसल्स को हरकत करने के काबिल बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी जगह पे पाँव रखे, हमें अचानक से जो है उस पर वहाँ पर कोई कील पड़ा हुआ या कोई ग्लास का कोई पीस है, टुकड़ा है कोई शीशे का, आपको वो चुभा है तो आप फ़ौरन से जो है वो अपना पाँव वहाँ से हटा लेते हैं। ये किस तरह मुमकिन होता है? ये मोटर नर्व्स जो है ना ये फ़ौरन से दिमाग आपके उन बॉडी पार्ट्स को ये पैगाम पहुँचाती हैं दिमाग का कि इसको फ़ौरन से उठा लेना चाहिए बजाय कि मज़ीद नुकसान हो। द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनका बड़ा मतलब असरअंदाज आपस में ताल्लुक होता है और इस नेटवर्क को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। ये तमाम ये कंट्रोल करते हैं हमारी पूरी बॉडी के एक्शंस को और मूवमेंट को। देन उसके बाद हमारे पास अगला है रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन, जब आप रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे बोला जाता है कि एक एक्शन है, आपने काम किया तो उसको आपने अगेन मतलब उसको जो है ना फ़ौरन से आपने उसके ऑपोजिट कोई काम कर लिया। अगर आप एक पाँव रखते हैं, स्टेप रखते हैं ऑन अ पिन, पिन के ऊपर जैसे देखें एज इट इज़, आप फ़ौरन से ऑटोमेटिकली आप अपना पाँव जल्दी से उठा लेते हैं। ये इस तरह होता है कि जो आपकी बॉडी ने जो मतलब एक स्टेप लिया है वहाँ पर आपका पाँव आ गया है, लेकिन मोटर नर्व्स ने फ़ौरन आपके ब्रेन को, ब्रेन जो है उसने एक्शन दिया है मोटर नर्व्स को ये करने का, कहा है कि वो फ़ौरन से अपना पाँव जो है वो वहाँ से उठा लें। ये सब जो कंट्रोल कर रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड कर रहे हैं। देन उसके बाद देखिए हमारे पास इसका बुक वर्क है। ये लास्ट हमने जो रीडिंग की थी उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। द सेरिब्रम कंट्रोल। सेरिब्रम जो है वो क्या कंट्रोल करता है? दिमाग का। ये देखें तीन पार्ट्स थे ना दिमाग के, 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया था। तो सेरिब्रम कंट्रोल करता है थिंकिंग, रीडिंग एंड रीजनिंग। सेरिब्लम कंट्रोल करता है मूवमेंट एंड बैलेंस। द मेडोला, मेडोला किसको कंट्रोल करता है? ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड मेमोरी। इसी तरह हमारे पास पेज 4 पे भी 2 जो है वो फिलिंग दी ब्लैंक्स थी। द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल, जो ब्रेन से मसल्स तक जो पैगाम पहुंचाती है उन्हें कहते हैं मोटर नर्व्स, और जो सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनका पैगाम दिमाग तक जो पहुंचाते हैं उनको कहते हैं सेंसरी नर्व्स।